नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया एक बार पुनः भारतीय संविधान की श्रृंखला में आपके सामने हाजिर हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की श्रृंखला के अंदर हम जो आपात की उद्घोषणा के प्रभाव हैं उनके बारे में बात करेंगे। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर्स पर, एग्जीक्यूटिव पावर्स पर, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हमारे वीडियोस पर। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य में है और इसके अंदर तीन प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं आगे बात करूं तो इसी में हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे थे और राष्ट्रीय आपातकाल यदि हम बात करें तो तीन आधारों पर लगाया जा सकता है। अर्थात जो इसके ग्राउंड्स हैं यानी कि कितने आधारों पर लगाया जाएगा, तीन, कौन कौन सा, नंबर एक युद्ध यानी कि वॉर, नंबर दो बाहरी आक्रमण और नंबर तीन सशस्त्र विद्रोह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको यहाँ बता दूँ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो घोषणा करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में घोषणा की जाती है। वर्तमान में प्रावधान किया गया है दोस्तों, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। ऐसा कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा किया गया। अब हमने यहाँ जो मंत्रिमंडल शब्द काम में लिया है वो पूरे संविधान में केवल अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, बाकी सभी जगह मंत्रिपरिषद का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई तो इसके बाद में संसद के विशेष बहुमत द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की यह उद्घोषणा एक माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और यदि संसद द्वारा विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो सामान्यतः 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है अवधि बढ़ जाएगी यानी कि 6 महीने तक ये लागू रहेगा। अब 6 महीने बाद पुनः संसद से इसे पारित करना होगा। इस प्रकार हम अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने का तरीका भी हम पढ़ चुके हैं, वो क्या था, या तो राष्ट्रपति कभी भी घोषणा के द्वारा इसे वापस ले सकते हैं या लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। उम्मीद करता हूँ 5 मिनट से कम समय में हमने ये कम्प्लीट कर लिया होगा, तो इससे हमारा रिविजन भी हो गया और साथ ही हम अगली कक्षा के जो आज का हमारा हेडिंग है, आज की जो हमारा सारणी है उससे हम जुड़ सकते हैं, विषय वस्तु से जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पुनः हमारा जो हेडिंग है वो हमें लिखना है राष्ट्रीय आपातकाल। आपने लिख रखा है, आप उसी के अंदर कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 352। ठीक है, अब हम यहां बात करेंगे आपात की उद्घोषणा के प्रभाव। तो सबसे पहली चीज तो मोटे तौर पे अपने को ये याद रखना है कि ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव बताया गया है, तो अनुच्छेद 353 में दोस्तों, यहां लिखा गया है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अब किस किस प्रकार की घोषणाएं की जाएंगी, किस किस प्रकार के प्रावधान होंगे, एक बार आप सुन लीजिए फिर हम उन सभी पर मैं आपको यहां एक एक पॉइंट लिखवाता हुआ समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहली चीज
देखिए, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उसके पश्चात संसद जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के साथ, संसद संघ सूची, समवर्ती सूची के साथ राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, अब ऐसे जो कानून बनाए गए हैं वो हम यूं कहें तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 माह तक ये लागू रहते हैं। दूसरी बात हम करें तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार को भंग नहीं किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियां पूर्ण रूप से जो है संघ सरकार के नियंत्रण में आ जाती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल भी इस दौरान एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, जिसे कितनी भी बार संसद ऐसा करके बढ़ा सकती है। ठीक है, अब हम बात करें यदि राष्ट्रीय आपातकाल बीच में ही समाप्त हो जाता है तो जिस स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा होती है उस स्थिति से 6 माह तक ही संसद का कार्यकाल, या हम कहें जो हमारी जैसे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा हुआ माना जाएगा और राज्य विधानसभा कार्यकाल बढ़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें और भी प्रावधान है जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो उन सभी के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपको आधी चीज़ें समझ में आएगी। जब तक आपने नहीं पढ़ा तब तक मैं कितना ही बोलूं आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए दोस्तों पहले समझना ज़रूरी है, फिर हम फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं जिससे हमारे सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, पहले एक क्लास को पढ़ने में 1/2 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, उसी 1 घंटे की क्लास को यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है, कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो आप भले ही आप देख लेना उस 1/2 घंटे को, मैटर को आपको लगेगा अरे यार ये तो हम 10 मिनट में या 5 मिनट में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब आपने उसे पूरा पढ़ लिया। इसीलिए आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि मैं एक सब्जेक्ट का रिवीजन 7 दिन में कर देता हूं, वो इसी कारण संभव है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, वो यही है कि संघ सरकार अर्थात संसद संघ सूची समवर्ती सूची के साथ राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। अब देखो दोस्तों, यहां आपको एक चीज समझनी है, संघ सरकार अर्थात संसद किसके, देखो राज्य सूची के और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। यहां आप एक अच्छी बात समझ लेना, आप ये बात क्लियर कर लेना कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। लेकिन दोस्तों ये जो राज्य सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार हमारा जो राज्य विधानमंडल है उसको प्राप्त होता है, और राज्य विधानमंडल को इसी के साथ समवर्ती सूची। देखो दोस्तों, यदि आपने हमारे यहां अनुसूची 7 यदि आपने पढ़ी है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, और यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए मैं पुनः कहता हूं दोस्तों, सिलेबस शुरू से लेके एंड तक यदि आप पूरा पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, तो आपके सामने आने वाले जितने भी सवाल हैं उन सभी का समाधान यहीं पर हो जाएगा। लेकिन यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होगी, लेकिन उसे मैं यहां क्लियर करने वाला हूं। क्लियर, एक बार मैं पुनः आपको थोड़ा सा बता दूं यहां पर। देखो दोस्तों,
हमारे यहां एक संघ सूची है जिस पर केवल संघ सरकार कानून बना सकती है, अर्थात संसद। हमारे यहां एक और सूची है जिसे हम कहते हैं राज्य सूची, और इसी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार अर्थात हमारी जो विधानसभा है उसे प्राप्त है, या हम इसको विधानमंडल भी कहते हैं, क्योंकि कई राज्यों में केवल विधानसभा है, विधानमंडल वो विधान कहते हैं, विधान परिषद नहीं है, इस कारण केवल क्या है विधानसभा, आप कह सकते हैं विधानमंडल को प्राप्त है। इसी प्रकार हमारे यहाँ एक और सूची है भारतीय संविधान की अनुसूची साथ में, जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। अब इस पर संघ सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यदि दोनों में बनाए गए कानून में किसी प्रकार का कोई टकराव हो जाता है कि एक ही विषय पर दोनों ने कानून बना दिया और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, इस प्रकार ऐसी स्थिति में संघ सरकार का कानून मान्य होगा। तो आपको एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार, संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों, सम यानी कि समान रूप से कानून बनाने का अधिकार राज्य से संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो यहां पर जो ये राज्य सूची का अधिकार था कि राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है, इस राज्य सूची पर भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम बात करें, संसद को या संघ सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो इन विषयों पर भी कानून बना सकती है। अब मैं यहां आपको बता दूं, मूल संविधान में यहां 97 विषय थे, यहां पर हम बात करें तो राज्य सूची के अंदर आपके 66 विषय थे, और इसकी समवर्ती सूची की बात करें 47, ये मूल संविधान में ये विषय थे। ठीक है, तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो हमारी जो राज्य सूची के विषयों पर आपातकाल के दौरान कौन कानून बनाता है, सवाल ऐसा आ जाता है, आपको याद रखना है संसद कानून बनाती है, या संसद ऑप्शन में नहीं हो तो आपको याद रखना है संघ सरकार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं ये नीचे वाली जो विषय वस्तु है इसे तो मिटा देता हूँ, आपको वो ऊपर वाली ध्यान रखनी है। जैसा मैंने एज इट इज लिखा है आपको उसी प्रकार आपको लिखना है, ताकि जिससे आपको समझने में आसानी रहे। क्लियर हो गया। अब देखो यहां से दूसरा सवाल उत्पन्न होता है, दूसरा सवाल क्या होगा, अब मान लीजिए संसद ने राज्य सूची के विषयों पर जो है कानून तो बना दिया, अब वो बनाया गया कानून कितने समय के लिए मान्य रहेगा। देखो दोस्तों, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल विद्यमान है तब तक तो वो कानून मान्य है ही है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की जाती है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद में भी 6 महीने तक यह कानून प्रभावी रहेंगे, यानी कि संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाए गए हैं वे कानून राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो पहला ही सवाल ये होता है कि आपातकाल के दौरान संसद कानून बना सकती है संघ सूची पर,
समवर्ती सूची पर, राज्य सूची पर, उपरोक्त सभी, तो आपको आंसर देना है उपरोक्त सभी, इन सभी सूचियों पर। साथ में दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और बता दूं, यहां आप थोड़ा कोष्टक में लिख लेना, इस इन तीन सूचियों के अलावा भी हम एक और सूची के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट सूची। इस पर भी अवशिष्ट सूची का अर्थ यह है, यानी कि इन तीनों सूचियों में जिन विषयों को शामिल नहीं किया है और वर्तमान में कोई ऐसा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा वर्तमान में ऐसा उपस्थित हो जाए जिस पर कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो उसे हम अवशिष्ट सूची में शामिल कर सकते हैं, यानी कि जिसके बारे में पहले कल्पना नहीं की गई हो कि ऐसा विषय भी उपस्थित हो सकता है। और आपको पता है अवशिष्ट सूची में वर्तमान में एकमात्र कानून साइबर कानून वर्तमान में विद्यमान है, क्योंकि दोस्तों 1947 से लेकर 50 तक आपको पता है कंप्यूटर और ये तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। वर्तमान में ऑनलाइन इतने फ्रॉड होते हैं, आपको पता है आपके पास मैसेज आता है कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार के वगैरह वगैरह, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार का डेटा भी लोग चुराते हैं, हैकर्स के माध्यम से सरकार का डेटा भी चुराया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों की प्राइवेसी अर्थात निजता का ध्यान रखते हुए संघ सरकार ने जो हम कहें साइबर सुरक्षा कानून 2013 वर्तमान में लागू है दोस्तों, और इस कानून के अंतर्गत काफ़ी कठोर प्रावधान किए गए हैं। यदि मैं बताऊं, आप किसी को किसी वीडियो क्लिप के माध्यम से या किसी भी प्रकार से किसी को आप ब्लैकमेल करते हैं, तो यहां पर लाखों रुपए का जुर्माना है दोस्तों, हजारों में नहीं है, लाखों रुपए जुर्माना है, और साथ ही में कड़े दंड के प्रावधान है। यदि साबित हो जाता है तो ये याद रखना जेल निश्चित है, यानी कि ऑनलाइन अपराध सबसे महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो अगला सवाल ये बनता है हमारे यहां पर कि संसद ने जो कानून बनाए राज्य सूची के विषयों पर, उनकी अवधि कितनी होती है, कि राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने माह तक जारी रहेंगे, 6 माह तक। तो हमारे यहाँ सवाल यही बनता है कि राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद प्रभावी रहते हैं। ऑप्शन होंगे आपके सामने 1 माह, 3 माह, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो अधिकतर हमने जो बात की इसके अंदर 1 माह, 2 माह, 3 माह और 6 माह। जब हम पूरा आपातकाल पढ़ेंगे ये जो मुख्य रूप से 1 माह, 2 माह और 3 माह, 6 माह का ही बार बार प्रावधान है, तो हम वहीं कंफ्यूज होंगे। तो एग्जामिनर मिलते जुलते ही जो ऑप्शंस का प्रयोग करता है, तो यहां आपको इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखना है कि 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, इसी के साथ यदि मैंने आपको जैसे बताया, हम अगला पॉइंट भी यहीं लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, आपातकाल के दौरान राज्य सरकार या राज्य सरकारें आप कह सकते हैं, राज्य सरकारें भंग नहीं की जाती, राज्य सरकारें भी आप कह सकते हैं। साथ ही में आप इसको अगर आप जैसे आप लिखना चाहें तो यहां पे एक और चीज लिख लें जिससे आपको आगे अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, क्या राज्य सरकारों के साथ आप लिख लें राज्य विधानसभा। दोनों ही है यहां पर दोस्तों, दोनों ही है, ना तो राज्य सरकारें ना राज्य विधानसभा। आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें और राज्य विधानसभा भंग नहीं की जाती,
भंग नहीं की जाती हैं, लेकिन राज्य की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां संघ सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होती है। देखो दोस्तों, आपातकाल के दौरान संघ सरकार, यहां पर याद रखना दोस्तों, संघ सरकार जो है राज्य सरकारों को, राज्य विधानमंडल को भंग नहीं करती है। ठीक है, क्या नहीं करती है? भंग नहीं करती है, अर्थात ये अस्तित्व में रहती है, ये कार्य तो करती हैं, लेकिन इनको कार्य जो किया जाएगा, इनके द्वारा कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, इसके दिशा निर्देश संघ सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका उपयोग किस प्रकार से करना है, राज्य की जो विधायी शक्तियां हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से करना है, ये सब दिशा निर्देश संघ सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से हम बात करें तो संघ सरकार के नियंत्रण में होती है। ठीक है, तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, यहां से एक और बात निकल कर आती है। अब सपोज करो कि राष्ट्रीय आपातकाल लगातार निरंतर जारी है, ऐसी परिस्थितियों में हमने बात की कानून कौन बनाएगा, संसद। संसद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। तो हम ये मानते हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार राज्य विधान परिषद भी भंग नहीं किया जा सकता। अब जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं यहां थोड़ा सा वापस बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यहां देखिए, देखो एक तो हमारे होता है संसद, और संसद है केंद्र में, इसके दो सदन हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, इतना आपको याद रखना है। इसी प्रकार हमारे यहां प्रत्येक राज्य में होता है विधानमंडल, सेम यूं समझ लो संसद का दूसरा नाम है। यहां पे भी दो सदन होते हैं, एक तो होता है आपका विधान परिषद, पहले वो क्या कहते हैं विधान परिषद, अक्षर छोटे लिख रहा हूं, आप आवाज समझना जिससे समझ में आ जाएगा। दूसरा यहां पर यदि मैं बात करूं तो वो है विधानसभा, राज्य विधानसभा जिसको आप कहते हैं, तो ये क्या है विधानसभा। अब देखो दोस्तों, विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा भी कभी भंग नहीं होती, अर्थात ये दोनों सदन तो काम करते ही रहेंगे भले आपातकाल लगो या नहीं लगो। ठीक है, भंग कौन होता है, लोकसभा, और भंग कौन होती है, विधानसभा। तो अर्थात जो लोकसभा और राज्यसभा भंग की जा सकती है, और इनका कार्यकाल भी आपको पता है 5 वर्ष होता है, आपने सुना होगा प्रत्येक 5 वर्ष पर सांसदों के चुनाव होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष पर आपके द्वारा एमएलए के चुनाव होते हैं, जिन एमएलए को आप निर्वाचित करते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं जिसे आप विधायक कहते हैं, और जिन सांसदों को आप निर्वाचित करते हैं आपके द्वारा वे लोकसभा में बैठते हैं। तो इनका आपने देखा है प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होता है, अर्थात जो इनके सदन का कार्यकाल है वो भी कितना होगा, 5 साल। अब ऐसी परिस्थितियों में यदि कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर इसका भी प्रावधान किया गया है दोस्तों, यदि उस सदन का कार्यकाल अर्थात लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया 5 वर्ष, तो ऐसी परिस्थितियों में याद रखिएगा दोस्तों, संघ सरकार के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव संसद में पारित किया जाता है, और संसद में ये प्रस्ताव पारित करके एक बार में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक बार प्रस्ताव कार्य पारित करेंगे और एक बार में कार्यकाल कितना बढ़ाएंगे, 1 साल। ठीक है, तो
इसको भी हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो यहाँ से नीचे दिखेगा नहीं और अक्षर भी जो है फिर छोटे लिखने पड़ेंगे तो आपको बोर्ड पर देखने में समस्या होती है। तो फटाफट से आप पहले ये लिख लीजिए ताकि यहाँ से मैं वापस लिखवा सकूँ। जल्दी कीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हम कार्यकाल तो बढ़ा देंगे, लेकिन कितने समय तक बढ़ा सकते हैं, पहला सवाल। क्या ऐसा हम कितनी बार कर सकते हैं, इसी से संबंधित दूसरा सवाल कि हमने जो लोकसभा का या राज्य विधानसभा का कार्यकाल हमने बढ़ाया है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद में कितने समय तक जारी रहेगा, कब तक उसका कार्यकाल की अवधि वही रहेगी या वो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी हमारे जो सवाल बनते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उनके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। हम एक एक क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्लियर करने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो आपको बात बताई उसी को लिखते हैं। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष बढ़ा सकते हैं, कितने समय तक बढ़ा सकते हैं, आंसर यही हमारे सामने सवाल पूछा जाता है और उत्तर यही है, एक वर्ष। ऑप्शंस होते हैं 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, इस प्रकार से। अच्छा, ऐसा संसद कब तक कर सकती है, कितनी बार बढ़ा सकती है, या हम कहें लोकसभा राज्य विधानसभा कार्यकाल हम कितनी बार बढ़ा सकते हैं, तो देखो दोस्तों इसका भी उत्तर है, संसद ऐसा कितनी भी बार कर सकती है। ठीक है, यानी कि संसद द्वारा कितनी भी बार लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में कितना बढ़ाया जाएगा, सिर्फ 1 वर्ष। क्लियर है। अब अगला सवाल यहां पे बनता है, वो सवाल ये बनता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल पहले ही समाप्त हो गया, मान लो आपने 1 साल बढ़ाया साहब, बढ़ाते ही 3 महीने बाद में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो गया, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल कब तक का मान्य होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों,
आपातकाल की समाप्ति के पश्चात लोकसभा व राज्यसभा का कार्यकाल छह माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां याद रखना है कि आपातकाल की अवधि, जो आपातकाल समाप्त होगा, जो घोषणा होगी, उस स्थिति से यदि हम बात करें लोकसभा व राज्यसभा का कार्यकाल छह महीने तक मान्य होगा और छह महीने बाद में अपने आप ही वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर रखनी है दोस्तों कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा तो उसके बाद जो भले ही कानून हो तो वो भी छह माह बाद समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार यहां पर आपके सामने जो संसद का, जैसे हम जिसकी बात करें संसद के कौन सदन का, लोकसभा का और राज्य विधानसभा का हमने जो कार्यकाल बढ़ाया है वो कार्यकाल भी छह माह के बाद अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां से सवाल बनता है कि ऐसा कभी हुआ भी है? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है। कब हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम कहें पांचवी लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके, या आप सीधा लिख लो, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाया गया था। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक एक वर्ष करके दो वर्ष बढ़ाया था, ऐसा लिख लो आप, एक बार में एक एक वर्ष करके दो वर्ष बढ़ाया गया था। ठीक है, तो आपके सामने पहला तो सवाल यही बन जाता है कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था आपातकाल के बाद में। तो पांचवी लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके एक वर्ष, एक एक करके दो वर्ष बढ़ाया गया था। ठीक है, तो अब इससे आपके सामने अगला जो सवाल बनता है वो आपका दोस्तों यही बनेगा, इसी से संबंधित, कि पांचवी लोकसभा का कार्यकाल कितना था। तो आप दिख रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं लिख लीजिएगा, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल सात वर्ष था। कितना था? सात वर्ष, क्योंकि सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? पांच वर्ष। तो आपको पता है पांच प्लस दो बराबर सात वर्ष हो गया। ठीक है, एक बार में एक एक करके दो वर्ष बढ़ाया गया। अब कब से कब तक था, ऐसा सवाल भी तो पूछा जा सकता
है कि नहीं है, कि पांचवी लोकसभा का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था। पहला सवाल तो उसने पूछ लिया कि कौन सी लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया, पांचवी लोकसभा का कितना बढ़ाया गया, 2 वर्ष बढ़ाया गया, ठीक है। पांचवी लोकसभा कार्यकाल कितना है, 7 वर्ष है साहब, ठीक है। लेकिन अब अगला सवाल, कब से कब तक। देखो दोस्तों, सवाल से ही सवाल जुड़ा हुआ रहता है, जैसे ही आप एक सवाल का उत्तर देते हैं एक नया सवाल पैदा हो जाता है। आपने घर में छोटे बच्चे देखे होंगे, आप एक सवाल आपसे वो पूछता है, आप उसका उत्तर देते हैं, पुनः वो आपसे अगला सवाल पूछता है, ऐसा क्यों, फिर आप उसका उत्तर देते हैं, फिर वो कहता है ऐसा क्यों। वो इसी कारण दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक सवाल का जो जवाब होता है वो भी अपने आप में एक प्रश्न होता है, ठीक है। तो आइए यहां मैं आपको बता दूं, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल जो था 1971 से लेकर 1977 तक था, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें सही तरीके से समझ में आ रही होंगी। जल्दी कीजिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं, तो आपके सामने जितने भी सवाल बनते थे वो सारे क्लियर हो गए। आप इसको भी आप देख लीजिएगा, 2 वर्ष बढ़ाया गया, इसी के बाद में कौन सी लोकसभा का, पांचवी लोकसभा का, और पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 7 वर्ष बढ़ाया गया, कब से कब तक। ये आप ये मान के चलिए, अगर मैंने जिस पर नीला पेन फेर दिया मतलब वही सवाल है मैक्सिमम। देखो, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, ये तो एग्जामिनर की सोच के ऊपर निर्भर करता है, उनकी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा सवाल बनाएंगे और किस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन आपके जो भी सवाल बनाए जाएंगे उनके आंसर्स मैंने जो भी बोर्ड पर पढ़ाए हैं लगभग यही होंगे, इससे बाहर जाने का चांस हमारे एग्जाम्स में तो नहीं है। अब यदि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो भाई उसका स्तर अलग है, उसकी बात अलग है, उसको थोड़ा डिटेल में और भी अधिक कंसेप्ट वाइज उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हालांकि आप राजस्थान में किसी भी स्तर का कोई एग्जाम देंगे तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके सभी कंसेप्ट यहां पर क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारी जितनी मजबूत नींव होगी बिल्डिंग, उतनी ही मजबूत और शानदार और भव्य बनेगी, ये बात आप भी जानते हैं। तो जिस मकान की नींव जितनी मजबूत होती है वो उतना ही स्थायी और टिकाऊ होता है, उसी प्रकार हमारी नींव भी जितनी मजबूत होगी पढ़ाई के मामले में, हम भी उतने स्थायी और टिकाऊ रहेंगे। और आप कोई भी एग्जाम दें, प्रत्येक सब्जेक्ट यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप प्रत्येक एग्जाम क्लियर करते हुए चले जाएंगे, आपके जीवन में बाधाएं कभी नहीं आएंगी। तो चलिए, अब हम राष्ट्रपति की आपातकाल की जो उद्घोषणा का प्रभाव है उसी के अंदर अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। तो मैं यहां पे पहले ही इसके अंदर यहां हेडिंग डाल देता हूं, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। देखिए दोस्तों, हमारे यहां पर अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 में साफ साफ कहा गया है, आपात उद्घोषणा के समय अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों का निलंबन। इसकी हेडिंग क्या है, आपात उद्घोषणा के समय
अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली चीज तो ये कि कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबित होंगे। तो पहला तो आपको यहां रखना, अनुच्छेद 358 है और अनुच्छेद 359 दो हैं, लेकिन आपको पहले कौन सा याद रखना, अनुच्छेद 358। आपसे यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 358। पहला सवाल का पहला जवाब। दूसरा सवाल, आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार सबसे पहले निलंबित होते हैं, अनुच्छेद 19। देखो, सबसे पहले जिसका वर्णन किया गया है वही सबसे पहले निलंबित होगा। इसका कारण भी मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि सबसे पहले ये क्यों होगा। आगे चलिए दोस्तों, तो यहां सीधा मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 में वर्णित अनुच्छेद 19 में प्रदत्त, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6 मौलिक अधिकार छह मौलिक स्वतंत्रताएं आप इसको लिख सकते हैं, मौलिक अधिकार भी आप लिख सकते हैं, छह मौलिक स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। देखो दोस्तों, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी, आपातकाल लागू होगा, उसी समय हम बात करें तो अनुच्छेद 19 में जो हमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। स्वतः ही मतलब अपने आप, जैसे ही इधर उद्घोषणा हुई इधर ये समाप्त हुए बस। अब आपको यहां इतना ये याद रखना है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से इधर लिखवा देता हूं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, देखो अनुच्छेद 19 का पहला और इसका ए, यहां पर बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति। आप अपनी मर्जी से विचार वगैरह कुछ भी नहीं प्रकट कर सकते। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(1)(b) सभा, इसके बाद में अनुच्छेद 19(1)(c) संघ, डी में विचरण, ई में निवास, एफ समाप्त कर दिया गया और जी में है व्यापार। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये 6 प्रकार की, यानी कि आप ना तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपका जो विचार और अभिव्यक्ति के आजादी का जो प्रावधान है, जिसकी हम बात करें कि आप अपने जो हम कहें आपकी स्पीच की, जो हम कहें आपको जो बोलने का अधिकार जो प्रदान करता है अनुच्छेद 19, हम यहां पे बता दूं वो भी आपका क्या है, उस समय आपको इस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होती है।
यानी कि जो भी व्यक्ति चाहे जैसा मर्जी पड़े स्टेटमेंट नहीं देता है, नहीं दे सकता। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से संघ सरकार को कोस रहा है, जिस प्रकार से इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहा है कि ऐसी सरकार तो पाकिस्तान से अच्छी है, पाकिस्तान में अच्छी सरकारें हैं, कुछ लोगों के ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, आपने देखा होगा टीवी मीडिया वगैरह में, यहाँ पे लोकतंत्र का ये हो रहा है, लोकतंत्र का पतन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, संघ सरकार में जो भी सरकार होती है, केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है, सदैव वे सरकारें ऐसा करती हैं। ऐसा कोई नई बात नहीं है, कोई नया मामला नहीं है कि पहली बार हमने देखा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि प्रत्येक सरकार, प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य यह होता है सत्ता प्राप्ति करना। राजनीतिक दल गठित इसलिए किया जाता है कि हम शासन करें, हम या हमारा मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, उनका राजनीतिक दल गठन करने का उद्देश्य क्या था? सत्ता प्राप्ति करना। अर्थात वे चाहते थे कि हम लोग प्रतिनिधि बनकर जनता के सामने आए और हम लोग चुनकर जाएं और हम लोग दिल्ली पर शासन करें। तो वो भी तो वही कर रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस का भी यही है मकसद कि सत्ता हमारे नियंत्रण में हो। बीजेपी भी यही चाहती है, बसपा भी यही चाहती है। तो जब सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि सत्ता उनके नियंत्रण में हो, तो देखिए दोस्तों, बहुमत तो केवल एक ही को प्राप्त होगा। पिछले समय से आप हम बात करें 2014 तक मुख्य रूप से हम देखें तो बीजेपी की सरकार एक दो बार बनी है, पूरा कांग्रेस का शासन रहा। अब 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तो एक कार्यकाल संपन्न करके दूसरे कार्यकाल की ओर अग्रसर हैं। यदि मोदी जी अच्छे जो है कार्य सरकार के लिए करते हैं, जनता के लिए अच्छे काम करते हैं, तो वो निरंतर बने रहेंगे, अन्यथा कोई दूसरा दल जो है सत्ता में आएगा। तो ये तो एक अनौपचारिक बातें हैं जो लोग कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है परिवार में जब भी आप तरक्की करते हैं तो परिवार वाले या पड़ोसी आपकी टांग खींचते ही खींचते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जो सरकार चला रहा होता है उसकी टांग खींचना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए, स्वतः समाप्त हो गई। इसी के साथ सभा, आप कहीं पे भी कोई सभा का आयोजन नहीं कर सकते, किसी समारोह का आयोजन नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। संघ, आप कोई ऐसा यूनियन वगैरह नहीं बना सकते इस दौरान कि भाई हम तो एक संघ बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, जी नहीं। विचरण, आप कहीं भी घूमने वगैरह नहीं जा सकते। निवास, आप दूसरी जगह जाकर कहें मैं तो मकान बनाऊंगा साहब, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है कि मैं तो मकान, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। दूसरे स्थान पर जाकर इस प्रकार से आप निवास भी नहीं कर सकते। व्यापार, यानी कि ऐसी परिस्थितियों में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो आपको ये बात पता है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप व्यापार भी नहीं कर सकते। अरे भाई, गोला बारूद बमबारी होगी तो व्यापार कहाँ करोगे? ठीक है, उस समय सबसे पहली प्राथमिकता होती है व्यक्ति की जान बचाना। ठीक है, तो आपके सामने ये सात हैं, छह हैं और सात थी मूल संविधान में वर्तमान। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखो, मन में क्या आए? विचार। विचारों को हमने कहां प्रकट किया? सभा में। सभा में विचार प्रकट करते ही क्या बना? संघ बन गया साहब लोगों का। उसको लेकर हम कहां गए? घूमने, विचरण करने गए साहब। अब घूमने गए तो कोई जगह पसंद आ गई तो हमने क्या किया? निवास कर लिया साहब। और जब हमने किसी स्थान विशेष पर निवास किया तो निवास करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संपत्ति की। देखो दोस्तों, यहां पर एक और अधिकार हटा दिया गया है जिसको हम कहते हैं संपत्ति अर्जन का अधिकार। तो इसको भी आप यहां पर थोड़ा लिख लीजिएगा, हालांकि ये वर्तमान में विद्यमान नहीं है, लेकिन इससे इसको याद करने में काफी आसानी होती है। निवास करने के लिए किसका क्या चाहिए? मकान। निवास करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्यापार। हो गया याद? ठीक है, पॉलिटी बड़ा आसान है, बड़े प्यार से आप पढ़िए, काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्वतः समाप्त हो गया। अब यहां पे देखो दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस क्या है देखो समझना, मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं बाह्य आपातकाल के समय ही स्वतः समाप्त होंगी। बाह्य आपातकाल के समय, बाह्य आपातकाल के समय ही स्वतः ही समाप्त होगी।
आप कहेंगे सर ये क्या बात है, बाह्य आपातकाल के समय ही। अर्थात देखो दोस्तों, हमारे यहां पर दो प्रकार से आपातकाल लगता है, जिसको मैं आपका यहां पर लिख रहा हूं, आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। एक तो हम कहते हैं बाह्य आपातकाल। आपातकाल कितने प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है, तो आपको यहां पर याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल दो प्रकार का होता है। पहला बाह्य आपातकाल, जिसको हम कह सकते हैं बाह्य आपातकाल के प्रकार हैं युद्ध व बाहरी आक्रमण। यानी कि यदि इन दोनों के आधार पर किसी प्रकार का कोई आपातकाल लगाया गया है तो वो क्या है, वो बाहरी जो है बाह्य आपातकाल है। एक होता है आंतरिक आपातकाल। और आंतरिक आपातकाल लगाया जाता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी कि जो आर्म्ड रिवोल्यूशन होता है, अर्थात हथियारों के साथ लोग सड़कों पर उतर आते हैं, हथियारों के साथ विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, और वो लगाया जाएगा आंतरिक आपातकाल। देखो इसके कारण है मुख्य रूप से, आप समझो, युद्ध भी दूसरे देश के साथ होता है, बाह्य आक्रमण दूसरा देश हम पर आक्रमण करेगा, तो ये क्या हो गए, बाह्य कारण हो गए, यानी कि हमारे देश के बाहर के। आंतरिक आपातकाल, अब देखो सशस्त्र विद्रोह किसने किया, हमारे देश के लोगों ने किया, भारत के नागरिकों ने किया, इसलिए ये हमारा कैसा मामला है, आंतरिक मामला। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा आपातकाल लगाएंगे, इंटरनल इमरजेंसी लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं आंतरिक आपातकाल। क्लियर हो गया। अर्थात अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं तभी समाप्त होंगी जब राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य कारणों के आधार पर लगाया जाएगा। तो हम बात करें बाह्य आपातकाल के आधार पर ही जो है अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो आप यहां लिख लें बाह्य आपातकाल के कारण क्या है, युद्ध और बाहरी आक्रमण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह क्लियर हो गया होगा। अर्थात कब नहीं होगी, तो यहां पे ये भी लिख लो आप, यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं, सीधा ही लिख लो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहां याद रखना किस कंडीशन में सशस्त्र विद्रोह की दशा में आपके अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही समाप्त नहीं होती है। क्लियर है। तो आपके सामने जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त होती हैं। आपके सामने ऑप्शन होगा युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। अब आपसे वो एबेसदा करके पूछेगा, ए बी, केवल ए, एबीसी, एबीसीडी। तो आपको वहां याद रखना है युद्ध एवं बाहरी आक्रमण की दशा में ही अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आपको ये सारी चीजें दोस्तों क्लियर हो गई होंगी, एक एक कंसेप्ट आपका यहां से क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से आप इसको उतार लीजिए ताकि हम इसके बाद में अनुच्छेद 359 की बात करेंगे,
जहां पर राष्ट्रपति द्वारा बचे हुए सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अच्छा, यहां देखो दोस्तों, एक और चीज आपको लिखनी है इसी में। यह जो प्रावधान किया गया है कि केवल अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रता है वो स्वतः ही समाप्त नहीं होंगी सशस्त्र विद्रोह की दशा में, तो देखो दोस्तों, यह प्रावधान किया गया था 44वां संविधान संशोधन, आप उसी के नीचे आप इसको लिख लीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आप इसके नीचे आप इसको लिख सकते हैं कि कब से, अर्थात इससे पहले जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द हमारे संविधान में था, आंतरिक अशांति शब्द था, जिसके आधार जिसके बाद में हमने जिसके स्थान पर हमने सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। तो ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द से पहले आंतरिक अशांति शब्द था मूल संविधान में, तो उसके आधार पर यदि हम बात करें तो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती थी दोस्तों। और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपको पता है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया भी गया था, उस समय आपातकाल के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया था, इसी कारण तात्कालिक मोरारजी देसाई सरकार द्वारा सत्ता में आते ही 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और यहां साफ साफ प्रावधान कर दिया कि अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वे सशस्त्र विद्रोह की दशा में निलंबित नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे दोस्तों, जल्दी कीजिए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फटाफट से, तो आपके सामने ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अभी हमारी कक्षा काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम एक घंटे की क्लास हो। हम अगली कक्षा में दो तथ्यों पर बात कर लेंगे जिससे हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के जो सभी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहले हम अनुच्छेद 359 की बात करेंगे जो मूल अधिकारों के निलंबन की बात करता है, निलंबन पर यथार्थ परिवर्तन पर रोक लगाता है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल 3 बार लगाया गया, पहली बार राष्ट्रपति शासन में कौन राष्ट्रपति थे, कौन प्रधानमंत्री थे, कितने समय से लेकर कितने समय तक लगाया गया, और साथ ही में अगली बात हम करें आधार उसका क्या था। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी से निवेदन है, जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उन सभी से एक बार पुनः निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। अगली बात, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही में कमेंट अवश्य करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।